हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं UP SSSC वीडियो री एग्जाम को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं और इस बात को पूछते हैं कि सर वीडियो की तैयारी के लिए हमें GK की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और इस एग्जाम में GK से प्रश्नों की जो संख्या रहेगी, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन जो आपके अंक रहेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन 100 अंकों के रहेंगे। यानी आप समझ सकते हैं किसी परीक्षा के लिए 100 अंक कितने मायने रखते हैं। तो इसकी तैयारी में आप कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगे, लेकिन मैं एक आपको स्मार्ट तैयारी बताने जा रहा हूं। अगर आपने वो स्मार्ट तैयारी एक अच्छी तरीके से कर ली तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपका जो टारगेट है 40 से 45 क्वेश्चन करने का GK में, वो आप आराम से कर पाएंगे। अगर आपने 40 से 45 क्वेश्चन सही कर दिए GK में, तो मैं आपको बता रहा हूं कि सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा निश्चित रूप से। और ये आपको पता ही है, इसमें जो है अगर हम बात करेंगे भाई हिंदी और आपका GK और रीजनिंग, इसमें तीन आपके जो है विषय पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही है 50-50 क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट से रहेंगे। यहां देखिए, अगर हम बात करें हिंदी और रीजनिंग, इसका जो सिलेबस है वो आपका एक सिलेबस लिमिटेड सिलेबस होता है, यानी कि आप उसे आप कवर कर सकते हैं। लेकिन GK भैया, GK से बहुत सारे स्टूडेंट घबराते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन GK का वास्तविक रूप अगर हम बात करेंगे तो इसका कोई छोर नहीं है। इसका भाई अथा इसका सिलेबस होता है। इस अथा सिलेबस में आपको वो पढ़ना होता है, एक स्मार्ट तैयारी इसमें जो है करनी पड़ती है। अगर हम बात करें भाई UP SSSC आयोग ने वीडियो री एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस बिल्कुल भी जारी नहीं किया है। भाई हम GK से इस टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे या रीजनिंग हम इस टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे, हिंदी में हम इस टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे, ऐसा कुछ भी सिलेबस नहीं दिया है। यहाँ पर जो बाजी कौन स्टूडेंट मान लेते हैं जो कई सालों से बरसों से तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ अपना अनुभव जो है उसमें जो है लगा करके अनुभव के द्वारा जो है कुछ क्वेश्चन को पता कर लेते हैं भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से पूछे जाएंगे, वो जो है जल्दी सफल हो जाते हैं, आपको ये पता हुआ। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ज्यादा परीक्षाओं देने का अनुभव नहीं होता, कुछ परीक्षा उन्होंने ना निकाली होती है तो कुछ कम अनुभव उनके अंदर रहता है। लेकिन आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही सटीक बताने जा रहा हूं और निश्चित रूप से आप इसमें जो है सफल भी होंगे। जो बता रहा हूं अच्छे से कर लेना, ठीक है। सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखें, जो आप सोच रहे हैं वीडियो बनने का, जो अपने सपना सोचा है उसे साकार करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ साथ सकारात्मक आप रहेंगे, एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना के साथ आप तैयारी हमेशा करते रहेंगे, ठीक है। और जो मेरा अनुभव है वीडियो निकालने का, दो तीन एग्जाम मैंने वीडियो के निकाले हैं, UP SSSC के तो कई एग्जाम्स निकाले हैं, तो अब सारा अनुभव है वो आपके साथ हमेशा शेयर करता रहूंगा इस चैनल पर, ठीक है। तो चलिएगा, वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए GK में आपसे सभी सब्जेक्ट्स पूछे हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, UP GK, कंप्यूटर है, सारी चीजें, और साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी चीज यहां से पूछे, इकोनॉमिक सारे पूछे जाएंगे। आपको पढ़ना क्या है वो मैं बताऊंगा, परेशान ना हो आप, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, UP SSSC जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं करंट में उन आपको देखेंगे, तो सबसे आपको ध्यान कहां देना है, करंट अफेयर, कहां ध्यान देना है, करंट अफेयर। 50 क्वेश्चन में आपको बताऊंगा देखो किस तरह से विभाजित आपके जो है कर सकते हैं अपनी तैयारी में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, करंट अफेयर यहां से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 10 से 15 परीक्षा में। ये ध्यान रखना कि यहां से जो है 10 से 15 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं 50% और, करंट अफेयर, करंट अफेयर ध्यान रखेंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको करना पड़ेगा और लेवल भी अच्छा खासा देखने को आपको करंट अफेयर का मिलेगा। तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहां से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसकी तैयारी में कोई भी आप लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतेंगे। करंट अफेयर किसी भी तरह से आप तैयारी करें, बहुत सारे स्टूडेंट डेली वाइज तैयारी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 6 महीने की मैगजीन के साथ तैयारी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मंथली मैगजीन तैयार करते हैं मैगजीन से। तो जो भी आप मैगजीन पढ़ते हैं उसे पढ़ते रहिएगा, आप रेगुलर पढ़ते हैं तो आप रेगुलर पढ़ते रहिए डेली, ठीक है। तो जैसे भी करना चाहें एक अच्छी तरीके से यहाँ पर करंट अफेयर की तैयारी करनी। क्वेश्चन में पुनः एक बार बोल रहा हूँ कि जो पढ़े बहुत क्लियर होके पढ़े, क्योंकि यहाँ पे आपकी निगेटिव मार्किंग बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल रही 1/2, यानी कि क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, ठीक है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर आपने दो क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन आपका गया, यानी कि दो नंबर आपके एक क्वेश्चन बनचे, दो नंबर तो आपके वो चले गए, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं तीन सब्जेक्ट आपको बता रहा हूं, अगर आपने तीन बहुत अच्छी तरीके से ये कर लिए तो एक अच्छा स्कोर आप अपने आप कर लेंगे, ये ध्यान रखेंगे ना। करेंट अफेयर आप ध्यान रखेंगे 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी अच्छे लेवल पे, हमेशा अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करेंगे। आगे हम बात करें भाई यूपी जीके, ध्यान रखना यूपी जीके से भी क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चनों की संख्या है वो भी अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यानी कि 8 से 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम, वीडियो क्री एग्जाम का जीके में 8 से 10 एग्जाम, सॉरी 8 से 10 क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चनों में एक दो ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एवरेज में आपको बता रहा हूँ चीजों को, ठीक है। तो यूपी जीके को भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ना है। यूपी जीके का मतलब यूपी जीके में जो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं भाई, यहाँ पे यूपी जीके का ज्योग्राफी भी आ जाएगा, यूपी जीके से संबंधित बहुत आपका हिस्ट्री भी पूछा जाता है, ठीक है। पॉलिटी भी यूपी जीके में भी थोड़ा बहुत आ जाता है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं। ज्योग्राफी जो आपका यूपी जीके बहुत अच्छी तरह से आपको करना है, ठीक है। तो यूपी जीके को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ना है। यूपी जीके की बुक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे तो मैं आपको मैगजीन बता दिया भाई, या फिर आप जो भी आप डेली पढ़ना चाहते हैं, डेली करना चाहते हो करंट तो बुक कर सकते हैं, 6 मंथ पे जो भी ई दृष्टि वगैरह है, आपका एजुटेडिया है, घटना चक, बहुत सारी बुक आती है, मैगजीन आती है, वहां से कर सकते हैं। यूपी जीके में आपको बता रहा हूँ कि यूपी जीके में दो बुक सबसे बेहतरीन है, एक तो आप पढ़ सकते हैं परीक्षा वाणी की बुक आती है, उस बुक सबसे बेस्ट मुझे लगती है, और एक आपकी घटना चक्र की बुक आती है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप जो है इन दोनों से कोई एक ले लीजिएगा, यूपी जीके आपका बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से भी 8-10 प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तीसरा आपका रहेगा कंप्यूटर, यहाँ से क्वेश्चन जो आपके पूछे पूछे जाने और लगभग 5 से 6 क्वेश्चन परीक्षा में, 5 तो पूछे जाएंगे, ये तो आप ध्यान रखिए 5-6 क्वेश्चन यहाँ से जी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यानी कि आप समझिएगा, अगर एवरेज हम इनका निकालें भाई, इनका हम एवरेज निकालेंगे, देखिएगा 10 से 15 क्वेश्चन बीच में, यहाँ 8 से 10 क्वेश्चन, लोग 25 क्वेश्चन लगभग, यानी कि 25 क्वेश्चन आपके इन्हीं सब्जेक्ट से पूछे, कंप्यूटर से 5-6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और बुक की अगर हम बात करें तो लूसेंट पढ़ लीजिएगा, लूसेंट आप ना पढ़, लूसेंट एक पतली सी बुक आती है वो पढ़ लीजिएगा, एक परीक्षा मंत्र की आती है जो तो सबसे बेस्ट बुक है परीक्षा मंत्र, ठीक है। कंप्यूटर वही कंप्यूटर जो है आपके इस प्रकार से कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन आपको पक्के, और कंप्यूटर में पूछा क्वेश्चन नहीं आता, बहुत ही सरल चीजें पूछी जाती हैं, पीढ़ी जैसे प्रथम पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी, ये मेमोरी है आपका, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट और बाइनरी, यहीं से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन जो कंप्यूटर वो आप कर लेना, ठीक है, लूसेंट वगैरह दे रखे हैं इनमें, उन्हीं क्वेश्चनों से फंस जाता है आराम से, ठीक है। तो यहां ध्यान रखेंगे, तो ये आपको यहां से समझिएगा 25 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, सबसे पहले आप इसे कंप्लीट करते चलिएगा, तब आगे हम आगे बढ़ेंगे भाई। इसके अलावा 25 मतलब 50 में से 25 क्वेश्चन यहाँ से, और वो भी ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है आपको, ये यूपी जीके अगर हम बात करें तो एक अच्छी तैयारी आपकी बहुत अच्छी, आप मात्र 15 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हो, पहले भी आपने आप थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ, कंप्यूटर में भी कुछ नहीं है, करंट अफेयर आप रेगुलर तैयारी करेंगे भाई इसकी, ठीक है। तो ध्यान रखें, तो यहाँ से 25 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, अगर आपने 25 क्वेश्चन कर ली तो एंड आप देख 25 जब करते चलेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, हाँ हमारा जीके कुछ हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट जीके पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं हमें पढ़ क्या रहा है, क्या बाकी क्वेश्चन फंसेंगे या नहीं फंसेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे धरे मिलेंगे परीक्षा में भाई, कि आप ये करो भाई, अरे करो, और कोई भी क्वेश्चन गलत मत करना, 10 नंबर पक्के आपके, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर आपको जो सिलेक्शन दिलाएगा, ये हमेशा याद रखना। यूपी जीके के 8 से 10 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सरल क्वेश्चन आते हैं, आप कर लोगे आराम से भाई, ठीक है। करंट अफेयर अगर आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे तो बहुत सरल आपको महसूस होगी, तो 25 क्वेश्चन यहाँ से आपके जो है अब बन रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई आगे, ये तो आगे इसकी बात जो आपके एक स्मार्ट में बता रहा हूँ तैयारी। आगे अगर हम बात करेंगे भाई, देखो हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी साइंस इकोनो, ठीक है, और यहाँ पर्यावरण से संबंधित भी कुछ चीजें जो है, पर्यावरण से संबंधित चीजें जो है आपको पढ़नी है, ठीक है। या स्टैटिक जीके भी आप थोड़ा यहाँ जोड़ सकते हैं, स्टैटिक जीके, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी जो है आयोग हमेशा उठाता रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर बाकी में आप सफल होना चाहते हैं तो ये
मतलब गांठ बांध लेना और मेरी बात को कानों में डाल लेना आज अच्छी तरीके से। अगर सुनाई दे रही हूँ तो तेल डाल के तब सुनना इस बात को। देखो प्रीवियस क्वेश्चन तो आपको लगाना ही लगाना है भाई। प्रीवियस क्वेश्चन कौन से वाले? यूपी ट्रिपल एससी वाले तो लगाने ही लगाने। इसमें तो कोई दिक्कत वाली आपको बात होनी चाहिए। सभी सब्जेक्ट जो बुक आती है कंपटीशन युद्ध वाली, वो आप प्रीवियस क्वेश्चन वाली सारी उनको बुक को लेना, उन क्वेश्चन को पढ़ना, उनके साथ जो नीचे डिटेल दे उसको भी पढ़ना भाई, ठीक है। उसके साथ साथ जो हिस्ट्री है, ठीक है, जियोग्राफी है, इन दोनों को अच्छे से समझ लेना कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी अच्छे से पढ़ना है। हिस्ट्री की मैं आपको बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री पर विशेष रूप से ध्यान रखना, और आपका मिडेवल हिस्ट्री में मुगल काल अच्छे से पढ़ना, यहां से क्वेश्चन जो है उठाता है मिडेवल हिस्ट्री में, ठीक है। और मॉडरेट में जो आपका गांधी युग है, उत्तर प्रदेश में जो भी यहाँ हुआ है, जो भी घटनाएं हुई है, उन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से हिस्ट्री को पढ़ना। जब यूपी जी की आप परीक्षा वाणी पढ़ेंगे तो उसमें सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, उसमें सारी चीजें उसमें दे रखी हैं, सारे टॉपिक हैं, तो वहां से चीजें कम। ज्योग्राफी भी आपको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो है समझनी है, यूपी जी के बुक पढ़ेंगे वहां भी मिलेगा। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब भी बहुत सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें, और ज्योग्राफी में विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों आते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या है, इंडियन ज्योग्राफी को ज्यादा प्राथमिकता यहाँ पे देनी है, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आपको मिलेंगे। विश्व के भूगोल के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन और बेसिक चीजें जो है आपको सिर्फ देखनी। पॉलिटी साइंस में अगर आप वरीयता रखेंगे तो बायो को थोड़ा देख लेना अच्छे से, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बायो क्वेश्चन जो है ज्यादा देखने को मिलते हैं। और बाकी सब ये प्रीवियस क्वेश्चन आप देख लेना, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्टैटिक जीके में प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना, यहाँ भी कुछ नहीं। स्टैटिक जी में कुछ मुख्यालय वगैरह है, कुछ जो है संस्था हो उनके जो है पूछ ले जाते हैं कि भाई इनका जो है मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। स्टैटिक जीके में खेलों से संबंधित भी कुछ पूछ ले जाते हैं, तो ये स्टैटिक जीके का टॉपिक है, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बहुत सरल टॉपिक है वो हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित भी जानकारी आपको जो है होनी चाहिए, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित जो है यूपी जीके पढ़ेंगे, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो यहाँ से वो टॉपिक आपका 80% कंप्लीट हो जाती है। एक दो चीजें हैं जो वन रिपोर्ट वगैरह जब जो चीजें होती हैं वो आपको यहाँ पे करनी होती है। तो इनके प्रीवियस क्वेश्चन सभी के यहाँ पे देखो, मैं आपको इनमें आपको करना क्या है, आप कहेंगे सर आपको बता तो दिया सब पढ़ना क्या है, इनके सभी के प्रीवियस क्वेश्चन तो आपको यहाँ से पढ़ना ही पढ़ना है। प्रीवियस क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पढ़ना सबके यूपी ट्रिपल एससी, और जो विभिन्न एग्जाम जैसे एसएससी रेलवे कोई बुक हो जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन हो तो उन क्वेश्चनों को आप पढ़ना, ज्यादा डीप मत पढ़ना, क्योंकि यहाँ से डीप क्वेश्चन ज्यादा आपके बनेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। ज्यादा डीप क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते। अगर क्वेश्चन कोई हिस्ट्री का बनेगा तो आपका मिडेविल और आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से मिल जाएगा। जो आप यूपी जीके पढ़ेंगे वहां भी कुछ चीज मिलेगी, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी। मैं पुनः बोल रहा हूँ कि यूपी के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा पढ़ लेंगे ज्योग्राफी और हिस्ट्री, और बाकी यहाँ पे सभी बेसिक क्वेश्चन जो है आप पढ़ेंगे वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। पुनः मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको पढ़े हुए मिलेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि 1/2 की निगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चन को घुमाता है। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, ठीक है। और एक प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाते रहेंगे, बहुत सारे मार्केट में प्रैक्टिस सेट है, तो हफ्ते में एक प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाते रहिए, जिससे आप अपना स्वयं का अवलोकन हो पाएगा कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं। मैं पुनः बोल रहा हूँ कि ज्यादा डीप आपको नहीं पढ़नी है। देखो आपको हर चीज जो है ना ज्यादा डीप नहीं पढ़नी, लेकिन जो पढ़े ना बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने, कन्फ्यूज मत होना। अगर आपने कन्फ्यूज हो 5 क्वेश्चन भी गलत कर दिए तो ये माने 5 क्वेश्चन गलत करने का सीधा सीधा मतलब कि 10 अंक तो भूल गए और फिर आपके 2-3 अंक और चले गए, यानी 15-16 क्वेश्चन नंबर का आपका नुकसान, 15 नंबर आपके अंक कम हुए, तो समझ सकते हैं आप कहाँ आपकी स्थिति होगी। तो पुनः बोल रहा हूँ कि बेसिक पढ़ेंगे इन चीजों को, सिर्फ बेसिक आपको पढ़ना है, कुछ ज्यादा डीप आपको तैयारी यहाँ पे डीप नहीं पढ़ना है। लेकिन जो पढ़ेंगे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न एग्जाम जो होते रहे उनके ही प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जो 25 क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, इन्हें तो आपको घोल के पी लेना, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर जो है आप भी वीडियो का बेस जो है लेके आइएगा, पढ़ाइएगा, जिससे स्टूडेंट का भला हो सके, ठीक है। तो देखिए अभी हम ऐसा विचार कर रहे हैं, अगर बैच चलाएंगे तो आपको हम निश्चित रूप से जो है अब बता देंगे, ठीक है भाई। बैच जो है अगर हम चलाएंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है बता देंगे क्या है, और ऐप पर चलाएंगे ये तो बता देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी। नोट्स की अगर हम बात करें तो नोट्स वगैरह आपके तैयार हो रहे हैं, जैसे बन जाएंगे तो आपको जो है प्रोवाइड भी किए जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, और मैं वही बोल रहा हूँ कि स्मार्ट तैयारी करिएगा, सिलेक्शन आपका हो जाए। और किसी भी भर्ती की तैयारी, किसी परीक्षा की तैयारी के लिए सकारात्मक रहे, नई ऊर्जा उमंग के साथ तैयारी करते रहिए। और आप तो
तैयारी आप कर रहे हैं तो सफल भी आप होंगे, लेकिन इस सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होगा। आपका तो है ही है, अपने माता पिता है, आपके गुरुजन है, उनका भी नाम होगा आपके सिलेक्शन के साथ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए, और हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, जो और भी सब्जेक्ट है अगर वो कहेंगे तो वो उस पर भी वीडियो में आपको बना दूंगा, लेकिन ये जीके यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आपने अच्छे से यहाँ पर स्कोर कर लिया तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा, ये इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।